तो आज थी बेजान के फ्रेंड की इंगेजमेंट। तो उनके यहाँ से आया था खाना और इन्होंने इतना ज़्यादा मज़े का खाना भेज दिया था कि ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में दावत है कम से कम 10 लोगों की। तो वो रहा उतना चिकन, अचारी चिकन था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ये था पुलाव ड्राई फ्रूट्स से फुल। तो आधा पुलाव यहाँ गर्म हो रहा है और अब जो हम लोग रात में खाएंगे, और आधा पुलाव रख दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था। और ये है ज़रदा, दम औसम वाला दिख रहा है। ये है नान, तो ये अभी मैं गरम कर रही हूँ और फिर अभी मैं खाऊंगी। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यहाँ हो रहा है फिर से लंच टाइम। मैं आज कुछ ज़्यादा बनने वाला नहीं है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ लंच में। तो आप देखिए, खाना आया था वो बच गया था थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा उन्होंने खाना भेज दिया था तो ये बच गया था। तो यहाँ मैं इसको पुलाव को ये गरम कर रही हूँ। तो अभी मैं और मम्मी हूँ तो ये हम लोग के लिए इनफ है, और 2 लोगों के हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना भेज दिया था। तो यहाँ पे पुलाव मैं गरम कर लेती हूँ और मैं बनाऊँगी आलू की टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू मैंने कट कर लिया है, टमाटर धनिया अब इसे सब मिक्स होकर सब्ज़ी बनाऊँगी और दिखाऊँगी आगे के और क्या क्या बचा हुआ था। तो ये आज मुझे बस सब्ज़ी बनानी है, वरना सारा खाना तो है ही, रोटी भी है और पुलाव भी है, तो बस सब्ज़ी बनाना है। तो बना के मिलती हूँ मैं आपसे। बनाने के लिए रख दी है और यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ ज़रदा। और ये ज़रदा इतना ज़्यादा वाला टेस्टी और अमेजिंग है। चावल है मगर इतना सॉफ्ट है कि पता नहीं चल रहा, और इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इसको मैं कर रही हूँ गरम अपने लिए खाली, और फिर इधर मैं करूँगी थोड़ा सा चिकन गरम। तो अभी भी ये बहुत बाकी है देख रहे हैं, तो इसमें से ये जो ऊपर से ऑयल है ये सब हट जाएगा। इसको हम लोग नहीं खाएंगे इतना ज़्यादा ऑयल, खाली पीस पीस लेके खा लेंगे और ऑयल में देखेंगे अगर कोई आ गया उसे दे देंगे, वरना जो है कुछ बन जाएगा इसमें। तो इसी में से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके, तो मम्मी चिकन खाती नहीं है और खाली मैं खाती हूँ, तो यहाँ से मैं निकालूँगी थोड़ा सा अपने लिए 2-3 पीस और फिर इसको भी मैं गरम करूँगी। तब तक तो अभी ज़रदा ही गरम हो रहा है, और यहाँ चावल भी गरम हो चुका था तो मैंने इसमें रख दिया है। और यहाँ पे मैंने बना लिया है थोड़ा सा सैलेड, और अभी रोटी गर्म करनी बाकी है तो रोटी भी गर्म कर लेंगे अभी ये सब होने के बाद, वरना रोटी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। सब्ज़ी खोली है तो ये हाफ कुक हुई है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम लोग यहाँ मटन या चिकन बचता है तो उसको हम लोग दूसरे दिन सब्ज़ी के साथ एडजस्ट करते हैं क्योंकि हम लोग को दूसरे दिन सब्ज़ी खाना एकदम मस्त हो जाता है। फिर थोड़ा सा चिकन मटन और वो इसमें से कैसी आवाज़ आ रही पट पट सी। तो ये अभी हाफ कुक हुई है, इसे और कुक होने देते हैं। आते हैं आज मौसम का हाल। तो आपको पता है कि यहाँ आ रहा है साइक्लोन, यहाँ नहीं आ रहा है, चेन्नई में आ रहा है। तो उसका असर यहाँ पे भी है, जो धूप नहीं निकली हुई है, नहीं धूप निकली है, थोड़ी सी धूप निकली है और ठंड। आज है 6 दिसंबर और ठंड का कुछ पता नहीं है, खाली ठंड भी नहीं कह सकते। ये है बहुत वाली एकदम लाइट वाली ठंड कि बस फैन अब बंद कर सकते हैं और स्वेटर नहीं पहन सकते, क्योंकि गर्मी भी अपनी जगह है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको गर्मी भी लग रही है, तो ऐसा कार ले जाएंगे लगता है अपने ही घर में लेके जा रहे हैं। जीप यहाँ का मौसम, वरना अभी तक यहाँ पूरी धूप ही धूप होनी चाहिए थी और धूप बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, देखा मौसम बहुत अजीब है, और यहाँ पे ठंड तो बिल्कुल लगी नहीं रही है, अजीब दिसंबर आ रहा है फील ही नहीं हो रहा कि ठंड आ चुकी है। तो इसको कर देते हैं बंद और चलते हैं खाते हैं खाना। तो मेरा खाना भी बनकर सारा रेडी हो चुका है, अब चलते हैं जी करते हैं लॉन्च। ये है खाना खाने के बाद वाली नींद, तो मैं लेती हूँ थोड़ी सी नैप। तो का टी टाइम हो गया गाइज, अभी हम लोग सो के उठ चुके हैं। ये खा रहे हम लोग टोस्ट, उधर मम्मी लगी पड़ी हैं, इधर मैं लगी पड़ी हूँ। इसको उठाऊंगी अब डालूंगी चाय में,
इसको नचाऊंगी थोड़ी देर, जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो जाएंगे मेरे मुंह के अंदर। आज मलाई डालना भूल गए, वो अपना खाने में मस्त है। बोल कोई खाए तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये भी जाएगा मेरे मुंह के अंदर। तो ये डिनर टाइम हो गया है गाइस, और आ गई हूँ मैं कुछ बनाने। डिनर नहीं बन रहा है तो उसकी जगह बन रहा है कुछ और, और वो है कुछ चुटर पुटर से टाइप्स की चीज़ें, तो वो बना रही हूँ मैं। तो डिनर अरे लंच हो गया था थोड़ा हैवी, अब जो है हम लोग बनाएंगे कुछ चुटर पुटर सी चीज़ें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। पहले मूँगफली को कर लेते हैं। तो मूंगफली को पहले कर लेंगे साफ और फिर आगे का दिखाती हूँ प्रोसेस आपको। आपको दिखाती हूँ कि आज हमारा डिनर क्या है। तो लंच तो आपने देख लिया होगा और ये है डिनर। डिनर में है मूंगफली और यहाँ पे है लाई और यहाँ पे है रिफाइंड। तो ये बनने वाली है नमकीन, लाई की नमकीन। तो मूंगफली को कर लेते हैं फ्राई। आई थी इतनी सारी लाई जो है बच गई, मैं अकेली कितना खाऊंगी, तो मैं उसको बना दे रही हूँ नमकीन, तो वो सब लोग खा लेंगे। और ये हम लोग का रात का डिनर है, सोचिए हम लोग का रात का डिनर है। तो हम लोग को रात में ऐसी चीज़ें खाना पसंद है, क्योंकि हम लोग रात में जल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो हम लोग ऐसे टूटू पुटू वाली चीज़ें खाते हैं। और मम्मी के लिए बनाऊंगी अभी मैं चाय, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये हो रही है अभी फ्राई, हो गई है फ्राई। अब इसमें हम लोग डालेंगे ज़रा सी हल्दी, ज़रा सी आपको डालनी है। तो ये गई हल्दी, हल्दी को मैंने कर लिया इसमें मिक्स। इसमें कुछ नहीं करना, और ये लाई उठाना और इसमें डाल देना है सारी। तो ये डाल दिया, अब इसको करना है मिक्स और थोड़ा सा वेट करना है इसका थोड़ा सा और क्रिस्पी होने का। तो ये ज़रा सी और क्रिस्पी हो जाएगी, फिर हो जाएगी मज़ेदार। और फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़े बहुत और मसाले। तो ये हो रहा है लो फ्लेम, मैंने एकदम कर दिया। ये थोड़ी देर फ्राई होगा और थोड़ा सा क्रिस्पी और कुरकुरा सा हो जाएगा। और फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स। तो ये बन जाएगा और आप इसको विंटर्स में बना के खाइए चाय के साथ, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है विंटर्स में। तो ऐसे भी जो है थोड़ा चुटुर पुटुर चीज़ें खाने का दिल करता है। तो अभी बना रही हूँ मैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलेगा। अगर चूड़े का है तो 3 दिन चल सकता है, क्योंकि उसको चबाना वो बहुत हार्ड होता है। मगर ये लाई वाला इतना सॉफ्ट होता है, कुरकुरा होता है, कि ये 2 दिन भी नहीं चलता, हो सकता है 1 दिन में ख़त्म हो सकता है। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा बनाया है, तो इसको होने देते हैं क्रिस्पी, तब से कर लेते हैं और काम। जब तक ये बन रहा है तब तक और जो चीज़ें जैसे ये और ये सब निकल आई थी, इनको रखते हैं अपनी अपनी जगह। और फिर ये इसको भी रखते हैं अपनी जगह। तो कैमरा सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये गिर रहा है, टूट भी सकता है। तो इसको मैं रख के आती हूँ। इनकी तो इनको भी मैं इनकी जगह टिका के आती हूँ। तब तक आप करिए इसके पकने का वेट। ये गाइस हो चुका है फ्राई, और ऑयल भी इसने सोक कर लिया है। ये आप देखिए, ऑयल भी इसने सोक कर लिया है। तो अभी इसमें हम लोग डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ज़रा सा लेना है और इसको ज़रा सा डालना है। इसको कर लेते हैं मिक्स, ज़रा सा सॉल्ट डाल ले तब मिक्स करते हैं एक साथ। तो इसमें ज़रा सा सॉल्ट डालना है, बहुत तेज़ हो जाएगा सॉल्ट, तो लाई जो है सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं करती है।
तो ये ऊपर ऊपर से रहता है, बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए एकदम ज़रा सा डालना है। मैंने डाल लिया, अब इसको कर लेते हैं मिक्स। और बस कह रहे हैं बस 2 मिनट और फिर ये रेडी। अब इसको ठंडा हो जाए तब खाइए, वरना ये आपके मुंह को जला सकता है। तो इसको ठंडा होने पे खाएं। देखिए आवाज़ क्या क्रिस्पीपन, देख रहे हैं, मज़ेदार। और इसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, और फिर मैं दूंगी बटन्स। ये इसमें मैं लाई रखूंगी बाद में, जब वो ठंडी हो जाएगी तब। फिर ये ज़रा से बर्तन है क्योंकि डिनर तो कुछ बना नहीं, और ये किए हैं। और फिर उसके बाद जो है सब वॉश वॉश करके थोड़ा सा मोबाइल देखूंगी और फिर मैं 2 या 3 बजे सो जाऊंगी। आजकल मैं बहुत लेट सोती हूँ, तो अभी मैं जो हूँ उसको एडिट करूंगी थोड़ा सा और फिर अपलोड करूंगी। तो ये सुबह 8 बजे आपको व्लॉग मिलेगा, तो 8 बजे आप इसे देखिएगा। और इसी के साथ मेरे होता है ब्लॉग का एंड। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अभी चाय मैं बनाऊंगी तो उसका वीडियो स्लो मोशन में डालूंगी, तो वो भी आप देखिएगा ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.